मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में जहां हमने देखा था कि पाठ्यक्रम के अधिगम में हमारे सामने कौन कौन सी चुनौती आती हैं, इसके बारे में हमने वर्णन किया था। अब जो मैं कह रही हूँ कि जब हमारे सामने कोई चुनौतियाँ आती है, कोई चुनौती बनकर हमारे सामने आते हैं, हम अगर उसे अपना चैलेंज मानते हैं, हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि हमें उन समस्याओं को दूर करना पड़ता है, यानी कि उन चुनौतियों का हमें समाधान करना पड़ता है कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को हमें किस तरीके से, जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे सामने जो चुनौती है, अगर हम उनका समाधान नहीं करेंगे, उनका समाधान अगर हम नहीं करेंगे, तो हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं और पाठ्यक्रम जहां हम विद्यार्थियों के अधिगम के लिए उसका स्तर ऊंचा करने के लिए बना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उस स्तर को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ना ही हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पाठ्यक्रम ही जब अप्रभावी होगा, तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, या हम कहें कि हमारी शिक्षण व्यवस्था है, तो शिक्षण व्यवस्था का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि प्रत्येक जो पाठ्यक्रम बनता है, वो हमारी शिक्षण व्यवस्था का सबसे अहम और महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब तक शिक्षण व्यवस्था में पाठ्यक्रम का कोई योगदान नहीं होगा, तो वो शिक्षा हमारी पूरी ही नहीं होगी। और हम ये कहें कि जो हम उद्देश्य ले रहे हैं, हम उन उद्देश्यों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, हमें उन चुनौतियों का समाधान भी करना होता है। तो ये जो समाधान हमारे लिए, हमारी जो समस्याएं हैं, उनका सलूशन हम किस तरह से निकालते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। जहाँ लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक रखे थे कि हमारी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, अब उन चुनौतियों का हम समाधान करते हैं। तो फर्स्ट बिंदु है हमारा वस्तुनिष्ठ विधियों का उपयोग। जो सबसे पहला है हमारा, वो है कि जब शिक्षक अधिगम करवाता है, तो उन्हें वस्तुनिष्ठ विधियां, अर्थात हम कहें कि जो विधियां छोटी हो, उन विधियों का शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब जो छोटी होगी, कहते हैं ना कि वस्तुनिष्ठ तो विश्वसनीय और वैध होती है। हमने देखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जहां हम वन वर्ड में आंसर देते हैं, तो वो आंसर हमारे सही होते हैं, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न को हम उतने वैध और विश्वसनीय नहीं मानते। तो इसके लिए भी वही चीज कही गई है कि हम जो विधि का प्रयोग करते हैं, वो विधि हमारी कैसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जिससे कि उस विधि का जल्दी से तो छात्रों को समझ में आए जो अधिगम करवाना चाह रहे हैं, और जिस उद्देश्य को हम लेकर चल रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। तो वस्तुनिष्ठ के लिए यही कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ विधि अगर हम उपयोग में लेंगे, तो वो सरल और छोटी होगी। क्योंकि हमारा शिक्षण सूत्र भी यही कहता है कि हमें सरल से जटिलता की ओर जाना चाहिए। अगर हम सरल से जटिलता की ओर जाएंगे, तो हमें वस्तुनिष्ठ विधियों का उपयोग करना होता है। हम भी इसी चीज से हम देखते हैं कि कई बार हम एक सिंपल सा एग्जाम लेते हैं कि अगर हम किसी स्पीच को भी सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो जो बात हमें दो शब्दों में कही होती है, अर्थात जिसे हम छोटी को हम अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, उतना हम बड़ा भाषण या बड़ी बातें नहीं सुनते, अर्थात जो हमें विस्तार से समझाया जाए। तो इसमें कहा गया है कि जब भी हम जिन विधियों का प्रयोग करें, वो विधि हमारी कैसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। सेकंड है हमारा नील पत्र के सहारा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इसमें कहा गया है कि अधिगम जब हम करवा रहे हैं बच्चों को पाठ्यक्रम के आधार पर, तो हमेशा हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित होते हुए हमें प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। शिक्षक जब अपने प्रश्न निर्माता है, शिक्षक जब प्रश्न बना रहे हैं, तो उन्हें पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए
नील पत्र के माध्यम से, नील पत्र की सहायता से, और उसी आधार पर उन्हें जिस तरीके से हम एक नील पत्र का निर्माण करते हैं उसी तरह से हमें उसका प्रश्नों का विभाजन करना चाहिए। अर्थात जब हम प्रश्नों का निर्माण करें तो हमें नील पत्र का सहारा लेना चाहिए, उसी के आधार पर हमें प्रश्न बनाने चाहिए। क्योंकि कहते हैं नील पत्र के आधार पर अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो उसमें बच्चों के अधिगम स्तर के आधार पर हम जो प्रश्नों का विभाजन कर रहे हैं वो हम सही क्रम पर कर पाएंगे। तो अगर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न पत्र तैयार करना है, तो वो प्रश्न पत्र का निर्माण हम नील पत्र की सहायता से करते हैं। अब आता है हमारा पूर्वाग्रहों से मुक्त। शिक्षक को कहते हैं कि शिक्षक को हमेशा पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो शिक्षक पूर्वाग्रह से पूर्वाग्रसित रहेंगे वो कभी भी शिक्षार्थी में जो कहते हैं कि निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो शिक्षार्थी का व्यवहार है उसके आधार पर शिक्षक इतने पूर्वाग्रसित हो जाते हैं कि वो जो शिक्षार्थी अंकल लाना चाह रहे हैं या उनका जो सही मूल्यांकन है वो उस बच्चे का सही मूल्यांकन नहीं होता, और कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक बच्चों से पक्षपात कर जाते हैं। और इस पक्षपात के आधार पर क्या होता है कि बच्चों का मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं हो पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि दो छात्रों का जब शिक्षक तुलना करते हैं तो उन्हें कभी भी पूर्वाग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में छात्र का जो व्यवहार उसका जो ज्ञान है वो पूर्व में था, लेकिन जो हम नवीन ज्ञान लेना जा रहे हैं या आने वाले बच्चे का व्यवहार उसको पूर्वाग्रह से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो विद्यार्थी है उसके साथ अन्याय कर ही रहे हैं, साथ में हम एक शिक्षक हैं तो हम अपने जो हमारा खुद का कार्य है हमें उसके साथ भी बेईमानी करते हैं। तो कहते हैं कि जब शिक्षक हम बन गए, गुरु हम बन गए, तो हम जब करते हैं तो हमें हमेशा जो भी हम इनका कहते हैं आंकलन करें तो हमें निष्पक्ष तौर पर करना चाहिए, हमें कहीं हमें पूर्वाग्रसित नहीं होने चाहिए। अगर दो छात्र उसके बीच में कर रहे हो तो दोनों का सही और निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। तो पहले दूसरा आ गया कि हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, फिर है शिक्षक को पूर्वाग्रह से मुक्त, फिर है हमारा प्रश्न तकनीकी का ज्ञान। जब हम ये पाठ्यक्रम के लिए बच्चों का जब हम अधिगम करते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर, तो अधिगम के आकलन में हमारी जो प्रश्न तकनीकी है वो प्रश्न तकनीकी हमारी अहम भूमिका निभाती है। हमने देखा है कि जब प्रश्न तकनीकी का ज्ञान अगर शिक्षक को नहीं होगा तो वो बच्चों से उसके अधिगम और उसके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग वो बच्चों से प्रश्न नहीं पूछ सकते। हमने देखा कि छोटे बच्चों से जब बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे तो हम उन्हें किसी कविता के माध्यम से पहले उन्हें समझाएंगे और उन कविता का हम अर्थ समझाएंगे, कविता कहानी इसके माध्यम से हम बच्चों से उसे वो तकनीकी के माध्यम से उन्हें हम वो चैप्टर समझाएंगे और फिर हम उनसे वो प्रश्न पूछेंगे। ये प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, कहते हैं ना कि प्रश्न तकनीकी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम चैप्टर को समझ सकें। हमने देखा है कि प्रश्न तकनीकी बनाने का एक रूल होता है, जैसे हम कह दें कि हम चैप्टर पढ़ाते हैं, चैप्टर पढ़ाने के बाद में जहां पूर्व यानी कि हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं जो हमारे पूर्व ज्ञान से आधारित होता है, उस पूर्व ज्ञान से आधारित प्रस्तावना प्रश्न बनाने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे का जो अधिगम स्तर है या हम कहें टॉपिक को समझाने के लिए उसे प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उसका पूर्व में उसका ज्ञान के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक बच्चा आगे उस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर पाता। इसीलिए हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद जहां हम अपना टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको उससे संबंधित उसको आगे बढ़ाने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि विकासात्मक प्रश्न हमारी कहते हैं ना कि आगे हमारा चैप्टर क्या कहने वाला है, जितना हमने पढ़ा है उसमें हमने बच्चों से क्या समझाया है, ये हमें विकासात्मक प्रश्न बताते हैं। अर्थात पाठ का विकास, पाठ को आगे की तरफ बढ़ाना। जब पाठ हमारा आगे की तरफ बढ़ता है तो आगे की तरफ बढ़ने के बाद में हम उससे बोध प्रश्न करते हैं।
बहुत प्रश्न पूछने के बाद में हम घर के लिए बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो ये हमारी तकनीकी है, अगर इसमें से कहीं भी हमारी एक तकनीकी छूट जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे लिए वो पाठ्यक्रम जो बना है वो भी महत्वहीन हो जाता है और बच्चे का जो अधिगम है वो भी हम सही तरीके से जो अधिगम का हम आकलन करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए ये एक प्रक्रिया होती है, ये तकनीकी होती है और इस तकनीकी से होकर हमें गुजरना होता है। फिर है हमारी आकलन प्रक्रिया से छात्रों में भय नहीं। हमने देखा है कि बच्चों के अंदर हमारी परीक्षा को लेकर और जो आकलन होता है वो उसके लिए उसके प्रति उनको बहुत डर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई बार ये होता है कि शिक्षक से उनके व्यवहार मानो या हमारी कई बार हम जो परीक्षा में बच्चे करते हैं आती हुई चीजों को गलत कर जाते हैं। ये आकलन एक हमारे अंदर डर बैठाता है कि बच्चे ये समझते हैं कि अगर हमारे नंबर कम आए तो शिक्षक भी हमें डांटेंगे और हमारे अभिभावक भी हमें डांटेंगे। तो आकलन की प्रक्रिया में छात्रों को हमारा भय नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा आकलन करना चाहिए जिससे बच्चे ये बच्चों को जहाँ डर की बात है तो यहाँ निष्पक्ष से भी आ सकती है, पक्ष से भी आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोच जाते हैं कि हमने इस टीचर के साथ ऐसा व्यवहार किया है, हो सकता है ये हमारा जो रिजल्ट हमारा जो मूल्यांकन करे उसमें हमारा आकलन करे उसमें हमारा आकलन सही नहीं हो पाए, तो ये उनके मन में एक भय होता है। तो कहते हैं शिक्षक को ऐसा भय इसमें नहीं रखना चाहिए जिससे कि बच्चे के यानी कि छात्र के बीच में छात्रों के जो छात्रों की आकलन की प्रक्रिया है उसके प्रति उनका भय बने। उनको इस चीज से बचाना चाहिए कि छात्र उस चीज को समझे और उनके अंदर वो भय उत्पन्न ना हो। इसीलिए हम जब पाठ्यक्रम के लिए हमारी चुनौती होती है, हर शिक्षक के लिए भी चुनौती होती है कि हमने जो विद्यार्थी का आकलन किया है वो आकलन हमने ऐसा किया है जिससे छात्र हमारे ऊपर कोई प्रश्न वाचक चिन्ह ना लगाए। तो इस डर को हमें छात्र के इस डर को दूर कर देना चाहिए। फिर है हमारा जो श्रेणीगत प्रक्रिया में पूर्वाग्रहों को कोई स्थान नहीं। मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि श्रेणीगत यानी कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके लिए कहा गया है कि जब हम आकलन के परिणाम के आधार पर हम श्रेणी प्रदान करते हैं, बच्चों का डिवाइडेशन जो हम करते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम हम करते हैं, उस ग्रेडिंग में हमें कहीं भी शिक्षक को पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा है कि जहाँ 90% बच्चों का आ रहा है तो वो A+ पे जा रहे हैं, अगर वही बच्चों के 89 point something मार्क्स आ जाए तो बच्चा B+ का रह जाता है। तो इससे क्या हुआ, अगर आप पूर्वाग्रसित हैं, किसी स्टूडेंट के साथ अगर आपके व्यवहार मतभेद है तो क्या हम उसका जो श्रेणीगत बना रहे हैं क्या उसके एक नंबर से हम उसे पीछा कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए कही गई है कि जब हम श्रेणीगत उनके अधिगम स्तर को जब श्रेणी में डिवाइड कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, उस आकलन की प्रक्रिया को हमें पूर्वाग्रसित नहीं होना चाहिए। शिक्षक को कभी भी अपने जो व्यवहार है, अपना जो स्थान है, उसे याद रखना चाहिए कि शिक्षक एक गुरु होता है, कि उन्हें हमेशा जो भी उन्हें अपना कहते हैं कि हमारे खुद का जो उनको उनको जो उनका जो न्याय होता है वो न्याय उनका निष्पक्ष होना चाहिए। इसीलिए आकलन प्रक्रिया में जो श्रेणीगत प्रक्रिया है उसमें पूर्वाग्रहों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए, जिससे हम बच्चों की जो ग्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम हमारा सही रहे। फिर है हमारा इसमें समय, परिस्थिति और रुचियों के आधार पर परिवर्तन। हमने पहले भी कहा था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है आज का वो पाठ्यक्रम ही हमारा लचीला है, अर्थात जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो हमारी जो सोमकी हमारी जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था भी हमारी ऐसी है, हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं और लोकतंत्र देश में हमारी जो खुद की जो हमारी हमारे जो शासन व्यवस्था है वो भी हमारी नीति में कहते हैं ना, हमारे जो संविधान भी हमारे संविधान का एक सिद्धांत ये भी है कि हमारा संविधान लचीला संविधान है जिसमें कि समय और परिस्थिति के अनुसार हम परिवर्तन करते रहते हैं। तो वही चीज यहाँ है कि जो हम आकलन कर रहे हैं बच्चों का वो हम समय और परिस्थिति और रुचियों के आधार पर हम
बच्चे जो परिवर्तन चाहते हैं उन परिवर्तनों को हम देखते हुए हम उसका आकलन करें, यानी कि परिवर्तन के आधार पर छात्रों का आकलन किया जाना चाहिए जिससे कि उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने आ सके। हम देखते हैं कि जिस चीज में छात्र को इंटरेस्ट नहीं होता है, छात्र की रुचि नहीं है, तो क्या छात्र उस कार्य को करेगा? या फिर हम कहें कि समय हमें सब कुछ सिखाता है, हमारी कही कि समय, आवश्यकता और परिस्थिति, ये तीनों हमारी ऐसी चीज होती है जो हमें हर कार्य करने के लिए हमें मजबूर करती है। तो वही चीज है यहाँ पर कि हम जब आकलन करने जा रहे हैं बच्चों का, तो हमारा वो आकलन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे खुश रहे, और पर जो हमारा आकलन हुआ है वो उस समय परिस्थिति और रुचि पर आधारित होते हुए वो हमारा आकलन हो, यानी कि बच्चा उसमें रुचि ले, इंटरेस्ट ले कि हमारा जो आकलन है कि रियली में वो आकलन हमारा उस समय और परिस्थिति के अनुसार है। फिर है हमारा अधिगम क्षेत्र में परिवर्तन। हमने देखा है अधिगम क्षेत्र में परिवर्तन की बात, यहाँ हमारी समय, परिस्थिति और हमारी आवश्यकता के आधार पर हम हमारे विषयों का चयन करते हैं, हमारे कार्यों का चयन करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम हमारे अधिगम क्षेत्र में परिवर्तन कर जाते हैं। हमने देखा पहले बच्चों का अगर जहाँ बच्चों का पहले खेल जिस जहाँ बच्चों का पहले हम ये कहें कि विज्ञान क्षेत्र में इंटरेस्ट है, हो सकता है बच्चों का आगे जो अधिगम क्षेत्र है उसमें विज्ञान से हटकर उनका एसएसटी में, उस एसएसटी के क्षेत्र में, या फिर हम कहें कि कला क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो कहते हैं कि अधिगम क्षेत्र में परिवर्तन भी संभव होना चाहिए जिससे कि हम ये कहें कि बच्चा अगर हिंदी साहित्य में रुचि रखता है तो उसके उसका क्या है, उसको उस विषय के प्रति, उस साहित्य क्षेत्र में उसको लगाव है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये नहीं कि हम बच्चों पर अपनी इच्छा थोपे। तो कहा गया कि पाठ्यक्रम में हमें हमेशा बच्चों के क्षेत्र में परिवर्तन, अगर बच्चा चाहता है तो हमें उस क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहिए जिससे बच्चा स्वयं और स्वतंत्र होकर वो अपना कार्य करे और कार्य भी वो अच्छा करे। इसीलिए अधिगम क्षेत्र में हमें परिवर्तन करते रहना, हमें परिवर्तन यानी कि छात्रों को अपने आधार पर परिवर्तन करना चाहिए, और उसी के आधार पर उन्हें अपने पाठ्यक्रमों का जो पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं ये समाधान है हमारा एक तरीके से, अगर हमने परिवर्तन संभव किया बच्चों के लिए, अगर उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया, तो वो परिवर्तन क्या होता है कि बच्चों को अपने क्षेत्र चयनित करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करती है, और जब वो अपना क्षेत्र स्वतंत्र रूप से चयन करेंगे तो वो उसी आधार पर, उसी इंटरेस्ट से, उसी मेहनत से, उसी लगाव से वो कार्य करेंगे। फिर है हमारा संसाधन उपलब्ध कराकर। हमने कहा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारे लिए चुनौती होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं और अगर हम जिस चीज का ज्ञान ले रहे हैं उसके हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते। हमने देखा अगर बच्चे किसी संगीत का ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमारे संगीत कक्ष में जो हमारी संगीत की शाला है, संगीत शाला, उसमें हमारे पास वो सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होते जिसका कि बच्चों को ज्ञान कराना है। तो ये हमारे लिए चुनौती है। कहा जाता है कि हमारे विद्यालय में जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं और जिस चीज का हम बच्चों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उस पाठ्यक्रम को हमें ध्यान में रखते हुए वो सारे संसाधन, वो सारे उपकरण हमें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने चाहिए, जिसके द्वारा उनको बच्चों क्या कर सकते हैं, उनको उपलब्ध करके बच्चे उसको अपना जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो ज्ञान वो आसानी से अर्जित कर सके। ये हमारे लिए चुनौती का समाधान है। अगर हम बच्चों को वो सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हैं और वो सारे संसाधन बच्चों को आसानी से मिल जाते हैं तो बच्चों का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है, साथ में उनका अधिगम स्तर है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का हो जाता है। कई बार ऐसा होता है इन संसाधनों का जब बच्चों को ज्ञान नहीं होता है
तो एक तरीके से उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमारी जो भी हमारी अधिगम सामग्री में उपकरण काम में आते हैं, अगर हमें उनका नॉलेज नहीं होता, कहते हैं ना कि अगर हमें तकनीकी का यानी कि मेथड, हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे मेथड का और हमारे संसाधनों का, हमारे उपकरणों का, जब तक हमें ये पता नहीं रहता कि हमें इन संसाधनों को किस तरीके से प्रयोग करना है, तब तक हमारा कार्य प्रभावी नहीं होता। फिर लास्ट बिंदु है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश। मैंने पहले ऊपर आपको वस्तुनिष्ठ विधि बताई थी, लास्ट में है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे विधि होती है वस्तुनिष्ठ छोटी, उसी तरह से कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश हम करते हैं तो हमारा जो कहते समय भी कम लगता है और हमारा जो मूल्यांकन होता है वो भी हमारा प्रभावी होता है। इसमें कहा गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हम जो चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं उसमें हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश करना चाहिए। हमें कहीं भी हम जो निबंधात्मक प्रश्न है उनका इस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस पाठ्यक्रम में जहाँ तक हो सके हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक तरीके से कहते हैं वैध और विश्वसनीय होते हैं, जिनके लिए हम ये कह सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि ये हमारा सही है। क्योंकि अगर हम जहाँ निबंधात्मक का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक समस्या बन जाती है। शिक्षक जो अंकन करते हैं उनके लिए ये एक समस्या बन जाती है। तो ये हमारा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ये हमारा एक कहते हैं कि वैध और विश्वसनीय है, जिसको कि हम सही तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं। तो बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो थी अधिगम के आकलन के संबंधी चुनौतियों का समाधान, तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, और मैंने आपको ये भी चीज बोली थी कि अगर हम भावी शिक्षक जो आप लोग बनने जा रहे हैं तो भावी शिक्षकों के लिए जो पाठ्यक्रम हमारा बना है, जो हमारे पाठ्यक्रम हमारे सभी एनसीईआरटी और हमारे जो शिक्षा आयोग हमारे पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसके आधार पर जब हमारा पाठ्यक्रम तैयार है और हमारे सामने जो चुनौती है, तो मेरा मानना है कि आप लोगों को उस चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो उन्हीं चुनौतियों का, जो लास्ट वीडियो में हमने चुनौती समझी, उन चुनौतियों का समाधान किस तरीके से है, वो समाधान भी मैं आपके सामने लेकर आई थी। तो ये हमारे इसके आज के 10 पॉइंट्स थे कि हम अधिगम के आकलन संबंधी हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों का हम समाधान किस तरीके से करते हैं। तो समाधान में मैंने आपको सबसे जो प्रथम पॉइंट था हमारा वस्तुनिष्ठ विधियों का उपयोग बताया था। थर्ड बताया था मैंने नील पत्र का सहारा, जो हम प्रश्न निर्माण में करते हैं, प्रश्न निर्माण के लिए जब हम प्रश्न का निर्माण करते हैं उसके लिए। फिर है शिक्षकों को क्या होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, उन्हें किसी भी विद्यार्थी के प्रति अपने पूर्वाग्रह पूर्व अनुमान नहीं लगाने चाहिए। फिर है हमारी प्रश्न तकनीकी का ज्ञान, हम जो तकनीकी बनाते हैं। फिर है हमारी आकलन की प्रक्रिया से छात्रों में भय नहीं होना चाहिए है। फिर है हमारा श्रेणीगत प्रक्रिया में पूर्वाग्रहों का कोई स्थान ना हो, यानी कि जो हम ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि शिक्षक पक्षपात कर जाते हैं बच्चों को एक एक नंबर से और उन्हें ग्रेडिंग गलत मिल जाती है, एक नंबर के डिफरेंस से बच्चों के ग्रेडिंग में अंतर आ जाता है। फिर है हमारा समय, परिस्थिति और रुचियों के आधार पर परिवर्तन। फिर था हमारे अधिगम क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कि जो हम अपना क्षेत्र चुनते हैं। फिर था हमारा संसाधन उपलब्ध कराना, यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए हमारे महाविद्यालय में पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, जिससे कि बच्चे पूर्ण ज्ञान ले सके। लास्ट में था हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश। तो ये आज की हमारी वीडियो में थे, ये सारे मैंने आपको आकलन संबंधी चुनौतियों का समाधान बताए थे। धन्यवाद।